so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is a truly a blessing. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I wish you the best. Thank you. Thank you. It's a wonderful experience. It's like, yes, it's a wonderful experience. It's the peoples of whole India and how their day met. Thank you, sir. Thank you. बहुत जबरदस्त पल मेरे लिए है, मालिनी के लिए, हम सबके लिए है, पूरे देश के लिए है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार कि उनके मार्गदर्शन में पूरे देश ने जो ये देखा आज का अद्भुत पल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनके लिए बहुत बड़ा पल था, सबके लिए बहुत बड़ा पल था। मैं इस फैजाबाद तत्कालीन यानी आज के अयोध्या में जो है बहुत पहले यहाँ तैनात हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद दीपोत्सव से जो है हम लोगों को छोटा बड़ा अपना योगदान देने को मिला है। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं यहाँ के ट्रस्ट का मेंबर रहा हूँ, लेकिन जो आज हुआ वो अकल्पनीय है। कितना खूबसूरत मंदिर, और इसका जब पताका, जब पूरा मंदिर पूरा होगा और इसका पताका ऊपर जब दिखाई देगा, वाह, ध्वजा उस देखकर जो है दिल खुश हो जाएगा। मैं आज अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी लेकर आया हूं कि अब मंदिर खुलने के बाद उनको भी जो है दिखाऊं और इस जगह का पूरा पूरा लाभ लूं। सर, भव्य दिव्य अलौकिक है, डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, आपको तो बहुत ज्यादा जी, आपने पूरा इस पे काम किया है। जी जी, देखिए, पहली चीज तो यह है कि मंदिर को टेक्निकली बहुत साउंड हमारे इंजीनियर्स ने, जैसा चंपत जी ने बताया, हमारे सभी पूरे देश के सभी सीनियर इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट्स ने इसको मार्गदर्शन दिया। ये मंदिर पूरा जो है बालू और पानी के ऊपर है, और इस मंदिर की बेस ऐसी बनाई गई है हजारों सालों के लिए, पूरा मंदिर पत्थर का है, तो निश्चय ही ये जो है टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत उत्तम श्रेणी का कार्य हुआ है। L&T ने काम किया है, TCS ने जो है इसमें अपना योगदान दिया है, निश्चय ही बहुत पॉजिटिव है। मंदिर में गोल्ड के दरवाजे हैं, मंदिर में राम जी की जो मूर्ति है वो क्या खूबसूरत है, निश्चय ही बहुत खूबसूरत पल है। सिस्टर मालिनी मैम आई है जी, मालिनी मैम अद्भुत सुरीली माँ सरस्वती आपकी नहीं, आज तो आज सबसे बड़ा सौभाग्य यही मिला कि आज रामलला के उधर दर्शन हो रहे थे और हम लोग कीर्तन में अपना स्वर लगा रहे थे। ये हम लोग अकिंचन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक अपनी स्वरांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, ये अपने पूर्वजों का मुझे लगता है आशीर्वाद मिला। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज ऐसे साकार हुई हैं, सब कुछ दिव्य है। आज देखिए, चार दिन से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन सूर्यवंशी राम हैं तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। इतना दिव्य मनोरम, जैसे भगवान राम हैं सबको आनंद देने वाले, सौम्य प्रसन्न, वैसे ही आज पूरे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई। और मुझे लगता है कि इस आनंद की वर्षा का जो मन में भाव है बहुत दिनों तक रहेगा। सर, 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 स